ससुराल बारात लेके आ गया। शर्म के कारण आंगन में बैठ करके रोने लगे। इस हुकुम ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लिए कहीं नहीं छोड़ा, लेकिन जब हुकुम ने सुना साले साहब आ गए, बड़ा खुश हुआ और कार्यकर्ताओं से बोला, खड़े खड़े मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी चीज की कमी ना हो जाए, बहुत बड़ा राजा है। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता, हमें मालूम है मेरा साला, लेकिन उधर जा रुक्मिणी को ये खबर मिली कि कन्हैया के बीच में मेरा भैया दीवान बन गया, ऐसा कलेजा पे वज्र सा लगा है जो रुक्मिणी सहन ही नहीं कर सके, पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। श्याम, ये क्या हुआ, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, लेकिन ये क्या बन गया। आंगन में बैठ करके रोने लगे और बोले के दीन नहीं बकारी साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी रो रही है।